अस्सलाम वालेकुम, लेज़ी अपलोडर हेयर। आज मैं एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है साइनोलॉजी नेस DS920+। इट्स अ 4-bay नेस, यानी कि 4 डिस्क्स आप लगा सकते हैं एंड एक्सपेंडेबल स्केलेबल। तो आप और अटैच हार्ड ड्राइव्स और अदर साइनोलॉजी जो रेकमेंडेड सीरीज हैं, इसके साथ लगा के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग है, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली आपके घर में या जहाँ भी आपने इसको लगाना है, आप अपना प्राइवेट क्लाउड फॉर डाटा शेयरिंग, फॉर डाटा स्टोरेज एंड मीडिया सर्वर बना सकते हैं। इसमें साटा ड्राइव्स बोथ किस्म की 3.5 इंच एंड 2.5 इंच लग सकती हैं। M.2 लग जाती है, USB 3 है। इसमें 2 1 GB इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जो कि मेरे सिनेरियो में मैं लगाऊंगा फॉर डबल द बैंडविड्थ। मल्टीमीडिया है, मोबाइल सपोर्ट है, डाटा सिक्योरिटी है। बेसिकली ये घर की स्टोरेज एंड मीडिया सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट्स फ्रॉम द कंपनी साइनोलॉजी। ये इसकी पैकिंग आती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग है। बिस्मिल्लाह करते हैं और खोल के देखते हैं क्या इसके अंदर क्या क्या है शामिल। साइनोलॉजी इस पे भी लिखा हुआ है, फिर वही बॉक्सेस में बॉक्सेस बॉक्स है। ये सारी उसकी एसेसरीज और केबल्स हैं। I think the main unit is here. ये देखें, ये सारे रिसाइकल में चले जाएंगे। इसकी थोड़ी जगह बनाते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ सारा कंटेंट। चलें जी, ये सब चीज़ें थी। बॉक्स से हर चीज़ मैंने निकाल ली, उसके प्लास्टिक से हर चीज़ से ये मेन यूनिट है। ओबियसली थोड़े से कैपेसिटी की वजह से थोड़ा साइज़ का बड़ा है। क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, ये इसकी पावर चार्जर है। 2 LAN केबल्स देते हैं, स्क्रूज़ हैं अगर आपने माउंट करना है, और इसकी सिक्योरिटी कीज़ हैं, फ्रंट से आप इसको बंद कर सकते हैं, और पावर केबल एंड क्विक इंस्टॉल गाइड। ये है यूनिट, इसके स्टेटस डिस्क 1 से 4 तक यहाँ पे स्टेटस आता है। USB 3 फ्रंट पे है, ऑन ऑफ स्विच है। ये 4 हार्ड ड्राइव कार्ट्रिजेज हैं, यहाँ पे हार्ड ड्राइव चली जाएंगी। एक तरफ लोगो है, दूसरी तरफ भी लोगो है। और अब आपके दिखाते हैं कि बैक साइड से किस तरह है। 2 फैंस लगे हुए हैं जो कि गुड साइज़ हैं। 2 नेटवर्क कनेक्शंस हैं, पावर केबल है, और मेरे ख्याल से ये जो कनेक्शन है ना, ये eSATA है, और एक USB पोर्ट एक्स्ट्रा है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 2 M2। हाँ, ये इसकी पावर कॉर्ड थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर कुछ हो जाएगा तो आपको यही लेनी पड़ेगी। 12 वोल्ट एंड 8.33 एम्पेयर 100 वॉट्स। ये इसका चार्जर है, और यहाँ से तो IEC है। SSD M.2 भी लग जाती हैं इसमें, जो कि कैशे के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने ये बाद में इंस्टॉल कर ली थी एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। ये 2 कार्ट्रिजेज हैं और कोई स्क्रूज नहीं है, जस्ट ओपन इट अप और SSD इधर इंस्टॉल हो जाती है। M.2 ये इसका स्टैंडर्ड, जैसे हम लैपटॉप्स में इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इसको इस्तेमाल करते हैं। 2 इसमें लगा सकते हैं। ये मेन हार्ड ड्राइव कार्ट्रिजेज हैं, वेरी इजी टू यूज़। स्क्रूलेस ये आर्किटेक्चर है, इसका मतलब कोई स्क्रूज इस्तेमाल नहीं होते। ये उन्होंने स्क्रूज दिए हुए हैं, लेकिन बेसिकली प्लग इन प्ले ही है। अंदर जो भी सिस्टम है, इट्स
लेकिन इसके क्लिप्स बने हुए हैं वो आपके हार्ड ड्राइव्स में ऐसे फिट हो जाते हैं और हार्ड ड्राइव फिर आप इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं ये क्लिप जो है। आप देख सकते हैं मैं खुद खाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ना पॉइंट्स बने हुए जो हार्ड ड्राइव के जो स्क्रू होल्स हैं उसके अंदर लग जाते हैं और ये ऊपर ऐसी चीज़ फिट हो जाती है एंड दैट्स इट। ले जी, मैंने कनेक्ट कर लिया है, 2 नेटवर्क कनेक्शंस भी दे दिए हैं, ये उसकी पावर है, पावर हैज ए लाइट इंडिकेटर ऑल्सो, फ्रंट से यूएसबी है और बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑन नाउ। थोड़ी सी साउंड है लेकिन मेरा बेसिकली और यूनिट भी नीचे पड़ा हुआ है, उसकी उसके फैन साउंड बेसिकली उसके ज़्यादा शोर उसका ज़्यादा है इसके निस्बत। इनिशियल सेटअप में इट ट्राइज टू गेट एन आईपी एड्रेस जो नेटवर्क आपके कनेक्टेड है और ये कार्ट्रिज बेस है 1 to 4। और ये अगर आप लॉक लगाएंगे तो इसकी चाबी जो इन्होंने साथ दी हुई उसी से आप ये फ्रंट खोल सकते हैं क्योंकि इट्स का सिक्योरिटी फीचर है। सो नाउ इट्स इन बूट अप मोड और आप देख सकते हैं ये स्टेटस लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अब ये इनिशियलाइजेशन मोड में है। मैंने 2 हार्ड ड्राइव इनिशियली इंस्टॉल की हैं 8 TB ईच, तो ये उसने रिकग्नाइज कर ली हैं कि 2 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं और पीछे दोनों नेटवर्क। अभी इनिशियली तो एक पे चल रहे होंगे, देन आई विल सेट अप लेटर ऑन और उसकी वीडियो में बाद में भी कभी बना सकता हूँ। फ़ैन भी ठीक है, अच्छी एयर फ्लो है, नॉट टू मच नॉइजी लेवल से। तो लैन जो है ना आप एग्रीगेशन कर सकते हैं कि 1 अपलोड एंड 1 डाउनलोड। सिंपल इसका सेटअप है, इसको ऐसे करें, हार्ड ड्राइव इसमें इस तरह इंस्टॉल करें स्क्रूलेस एज आई सेड। लेकिन इसको ज़्यादा सिक्योर करने से आप नीचे से इसके पेच भी लगा सकते हैं और उसके बाद दोनों साइज के लगे थे 3.5 एंड 2.5 इंच, इसको इंस्टॉल करें और लॉक लगा दें, ये सब केबलिंग करें जो कि मैंने आपको दिखा दिया है एंड जस्ट गो टू दीज 2 एड्रेसेस इन द सेम नेटवर्क। और मोबाइल फ़ोन ऐप्स भी हैं वो भी आप डाउनलोड कर लें। तो बेसिकली आप साइनोलॉजी एट 5000 पोर्ट इस पे जाएंगे और इससे आप इसके हर किस्म के ड्राइवर्स और डाउनलोड्स यूटिलिटीज़ इसकी बेतहाशा ऐप स्टोर में अवेलेबल हैं। चलें जी इसके वेबसाइट पे जाते हैं और इट वाज वेरी क्विक टू पिक अप। वेलकम सेटअप चैनल जी, नाउ इंस्टॉल। चलें जी बिस्मिल्लाह, इंस्टॉल डिस्क स्टेशन मैनेजर जी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दें। डाटा विल बी डिलीटेड फॉर द हार्ड ड्राइव्स, ठीक है कोई मसला नहीं है, नई हार्ड ड्राइव्स ही इंस्टॉल की हैं। वंस इट्स ओवर द नेटवर्क, अच्छी बात यह है कि ये खुद ही डाउनलोड अपने मैनेजर से करके खुद ही इंटरनली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है। यू डोंट हैव टू, तरीका है एक और भी जिसमें आप यूएसबी में लेके जाएं और ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र करें, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जब यूनिट आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है ब्राउज़र इज़ जस्ट एन इंटरफेस और बस आप डाउनलोड करें। ये भी इट्स नॉट टू स्लो आई विल से। चलें जी इसका इंतज़ार करते हैं कि ये इंस्टॉल हो जाए, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। आई विल स्किप अ लिटिल बिट एंड शो यू वंस इट्स 100% इंस्टॉल्ड। तो डिस्क स्टेशन इज द मेन सॉफ्टवेयर मैनेजर आई मीन, और इसको बाद में आप मंथली बेसिस पे अपडेट्स भी करते रहें। मैंने ये देखा है कि इसकी ऐप्स को कंटिन्यूसली आपको अपडेट करना पड़ता है जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखते हैं और कितनी देर लगाता है, 62% हो भी गया है।
चले मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ जब ये 100% हो जाए। जी ये 100% हो गया था, उसके बाद ये रीस्टार्ट हो गया और मैं उसी वेबसाइट पे अपना लॉगिन बना लिया है। वंस लॉगिन इज़ देयर, देखें यहाँ से आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, इसकी मोबाइल ऐप भी है वो मोबाइल पे आप देख सकते हैं सारे, इसकी परफॉर्मेंस रिसोर्स मीटर है जिसमें आप देख सकते हैं CPU और RAM और नेटवर्क यूसेज। सबसे पहले हम स्टोरेज पूल बनाएंगे, तो हार्ड ड्राइव मैंने पहले इंस्टॉल कर ली है, लेट्स स्टार्ट। ये इसका अपना या डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव्स इट विल सजेस्ट कि कौन सा रेड बना सकते हैं, या इसके अपना SHR फॉर्मेट है और या आपको डिटेल्स बताता है कि किस तरह की मिनिमम कितनी ड्राइव्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी ड्राइव्स होनी चाहिए। दिस इज़ द रिकमेंडेड रेड फॉर बिगिनर्स, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस है 1, तो यानी कि एक स्टोरेज है और एक दूसरी, तो ये रेड 1 है। रेड 0 है जो कि बिल्कुल भी मिरर नहीं होगा। रेड के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बेसिकली डाटा बैकअप, अगर एक ड्राइव ख़राब हो जाए तो आप दूसरी से रिप्लेस कर सकते हैं। चलें आप इसका कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इस पूल को, आई विल यूज द रिकमेंडेड वन। ओके सो ये अब आपको बताता है कि कौन सा आपके इंस्टॉल इसने डिटेक्ट किया है, कौन कौन सी ड्राइव आपने करनी है। 3CP101 ये ड्राइव थी और बेसिकली है 8 TB, लेकिन 7.3 TB इज यूजेबल। करते हैं अपने पूल में सेलेक्ट कर लें। आई विल स्किप ड्राइव चेक क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्राइव्स हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम अगर यूज्ड ड्राइव्स हैं तो। मॉडिफाई एलोकेटेड साइज, और यहाँ पे आप वॉल्यूम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जस्ट नेम इट प्राइमरी वॉल्यूम, करते हैं, यू हैव टू एंटर समथिंग। अच्छा अच्छा, तो अब ये सब पार्टीशंस भी कर सकते हैं। आई विल यूज मैक्स वॉट एवर इज अवेलेबल, यस, अनलेस जितनी आप अपने यूजेज के मुताबिक करना चाहें तो। तो ये ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इट शुड बी ऑलमोस्ट BTRFS फाइल सिस्टम आई विल यूज़ क्योंकि इनका रिकमेंडेड है। ये उसकी समरी है एंड दैट्स इट, ऑल डेटा विल बी वाइप्ड। चलें जी, बहुत शुक्रिया देखने का वीडियो, अल्लाह हाफिज़।